बड़ी बड़ी भयानक ये एलर्जी, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई छोटी मोटी खारिश नहीं, बड़ी भयानक एलर्जी थी। इसके पूरी बॉडी पर, चूलों पर, इसकी बैक पेन पे, पूरी बॉडी पर, इसकी टांगों पर जख्म हो जाते इतने बड़े। इसी की वजह से एक साल तक स्कूल नहीं गई। देखो जब इसकी हालत ऐसी थी, जब इसकी बॉडी पर ये सारा हालात था, तो अब आपके मन में क्या क्या आता था? इसके इसके जो कपड़े पहनती थी वो भी कई बार उस जख्मों से खून निकलता होगा। देखो जो भी कपड़े पहनती थी जख्म होने के कारण उनमें से खून निकलता था। जो भी कपड़े पहनती थी वो खून से क्या हो जाते थे? गंदे हो जाते थे। यहाँ पे जितने डॉक्टर कोई भी अपने छोड़ा, सबसे बदल बदल कर दवाई दी, पर उस मेडिसिन से कोई भी हल नहीं हुआ, जो हल खुदावंद के वचन को पूरा करने से मिला है। जिस सिस्टर का नाम पलक है और शे मुदल गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि एक साल हो गया था इसको खारिश की प्रॉब्लम थी, पूरी बॉडी पर ही खारिश थी, कोई नॉर्मल खारिश नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा थी, और जिसके कारण पूरे इनके इसके चूलों में, इसके टांगों में, प्लस इसके पाँव में भी जख्म हो जाते थे, और बहुत ज़्यादा जो जख्म थे इसके चूलों में थे, क्योंकि इसको बैठने में भी, सोने में भी, प्लस कपड़े पहनने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और जे बता रहे कि इन्होंने इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई थी, बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खा ली थी, पर इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। और पहले हम उस पिक को देखेंगे कि जब इसके बहुत ज़्यादा जी खारिश की प्रॉब्लम के कारण जख्म हो गए थे। और जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जख्म थे, जिसके कारण जो सिस्टर बहुत परेशान थे, और इसी प्रॉब्लम के कारण ही जो सिस्टर एक साल हो गया था कि अपने स्कूल में नहीं जा सकी थी, क्योंकि स्कूल जब भी जाती तो उसको यूनिफॉर्म पहनने में प्रॉब्लम थी, प्लस वहाँ बैठने में भी प्रॉब्लम थी, तो जिसके कारण जी बहुत ही सिस्टर रोती थी कि जो स्कूल नहीं जा सकती थी, और इसको बहुत ज़्यादा खारिश होती, दर्द रहती थी, उससे खून भी निकलता था, और जी बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, अलग अलग डॉक्टर से इन्होंने मेडिसिन खाई, पर इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जी बता रही कि पर जी लगातार मीटिंग को तो अटेंड कर रहे थे, और संडे की थर्सडे की मीटिंग में भी आ रहे थे, विश्वास भी करते थे, पर फिर भी जी प्रॉब्लम सही ना होने का कारण ये था, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने हमें कुछ नियम, कुछ आज्ञाएं दी है कि हमें उसको पूरा करना है, जिसमें से सबसे उत्तम प्रेम है। परमेश्वर ने हमें कहा है कि प्रेम करो, पर जो कि जिस सिस्टर के सिस्टर से प्रेम नहीं था होता, और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और जिसके कारण जो प्रॉब्लम इसके जीवन से जा नहीं रही थी। और जैसे कि जिस सिस्टर ने बताया कि इन्होंने मीटिंग तो अटेंड की, पर जब इन्होंने 16 जनवरी की मीटिंग, पर्सनल मीटिंग परमेश्वर के दास के साथ जब की, तो परमेश्वर के दास ने जब इनको टीच किया, इनके लिए प्रेयर नहीं की, इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर जो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आज से अपने मन को फिराओ, तो परमेश्वर आज ही आपको अच्छा करेगा। और क्योंकि जो विश्वास करती थी, प्रेयर भी करती थी कि जो गुस्सा ना आए, क्योंकि घर में छोटी छोटी बात पर ही जब भी इसके पेरेंट्स या इसके भाई बहन उनके साथ भी जो गुस्सा करती और बहुत ज़्यादा इसका क्लेश हो जाता था, और इससे प्रेम नहीं होता था। और जो बता रही कि जैसे इन्होंने फिर से परमेश्वर के दास के द्वारा सीखा, और इन्होंने अपने मन को फिराया, प्रार्थना करनी शुरू की, और इनके मदर ने भी बताया कि उनसे भी प्रेयर नहीं होती थी, वो भी इनको इसी बात में डांटते थे कि तुम परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं करती, तुम हर बात पर बहुत ही गुस्सा करती हो, खींचती हो। और जैसे उन्होंने भी फिर अपने मन को फिराया कि मैं भी तो इसके लिए प्रेयर नहीं करती, फिर उन्होंने भी इसके लिए प्रेयर करनी शुरू की, और प्लस इस सिस्टर ने भी परमेश्वर के आगे प्रेयर करनी शुरू की। तो ये बता रही कि 2 ही हफ्ते हो गए, परमेश्वर ने भी इसको पूरी तरह से इस जख्म की प्रॉब्लम से, अश्कारे से आज़ाद कर दिया है। अभी हम इस पिक को भी देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि जो कि एक साल हो गया था इसकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, आज परमेश्वर के उस पवित्र नियम को पूरा करने से आज पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इसको आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करके इसे अपने हाथों को उठाते हैं जोर से। हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते, ते जिंदगी आबाद हो गई। हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते, मैं दुखा तो आजाद हो गई। कोई कृपा सुनो सुनो सुनो,
क्यों बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं है, क्योंकि गुस्सा किसकी ओर से है। ये बेशक देखो कितनी ये बड़ी बड़ी भयानक ये एलर्जी, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई छोटी मोटी खारिश नहीं, बड़ी भयानक एलर्जी थी। इसके पूरी बॉडी पर, चूलों पर, इसकी बैक पेन पे, पूरी बॉडी पर, इसकी टांगों पर जख्म हो जाते इतने बड़े। इसी की वजह से एक साल तक स्कूल नहीं गई। देखो ये यहां पे आ तो रही थी, बोलो क्या है, ये यहां पे आ तो रही थी। जो भी मैं हर नाश्त पे जो भी मैं मास प्रेयर करता हूं ये रिसीव तो करती होगी, पर फिर भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। कारण क्योंकि जिससे छुटकारा मिलना वो चीज नहीं थी। बोलो क्या है, जिससे छुटकारा मिलना वो चीज इसके जीवन में नहीं थी। और जब तक वो चीज हम करेंगे नहीं तो प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर व्यक्ति पर मैं प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर कैसे छुटकारा देता है। हर चीज का हल प्रार्थना नहीं है कि प्रार्थना कर दो तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर को पता है और मैं जानता हूं उसका चंगा करने का नियम क्या है और कैसे लोग हील होते हैं, चंगे होते हैं। इसलिए मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने कोई प्रार्थना, मैं जानता था इसकी जो कमजोरी है। मैंने पिछले दिनों में क्यों आपको शिक्षा दी थी कि जिस चीज की आपको कमजोरी है उसी में शैतान आपको मात देगा। इसकी कमजोरी इसका गुस्सा, छोटी छोटी चीज के लिए माता पिता कुछ बोले तब गुस्सा, भाई बहन कुछ बोल दे तब गुस्सा गुस्सा गुस्सा, क्योंकि गुस्सा किसकी ओर से, शैतान की ओर से। जब शैतान का वचन पूरा करेंगे तो चंगाई कहां से मिलेगी। पर जैसे ही मैंने उस दिन इन्हें टीच किया, सिखाया, समझाया और देखो आज आपके सामने है, उसे मन फिराया, अपने मन को थीन किया और आज पूरी तरह से उस भयानक एलर्जी से, बोलो क्या है, उस भयानक एलर्जी से इतने इतने आपने अभी आपको शायद स्क्रीन में इन एलसीडी में शायद मुझे धूप है, आज थोड़ी तिखी धूप है ना, इधर से थोड़ा इस साइड शायद कम लोगों को नजर आ रहा होगा। तो आप इसको देखना कितने बड़े बड़े जख्म इसके पूरी बॉडी पर बन चुके थे। उसी के कारण ये एक साल तक स्कूल नहीं गई। पर जब हम मन फिराते हैं, खुदावंद के वचन को पूरा करते हैं, तब वो छुटकारा देता है, जैसे इसे मिला। आइए पूरी तरह से उस एक साल की उस भयानक एलर्जी से, उस खारिश से आज परमेश्वर ने इसे पूरी तरह क्या कर दिया, पूरी तरह आजाद कर दिया, पूरी तरह आज फ्री है। कोई खारिश नहीं, कोई जख्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी तो नहीं है। कौन है, इनके मम्मा भी आए हैं, हाँ तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। नहीं पापा जी, साफ है पूरी बॉडी। पूरी बॉडी साफ हो गई। हाँ। जब इसकी हालत ऐसी थी, जब इसकी बॉडी पर ये सारा हालात था, तो आपके मन में क्या क्या आता था? मैं पापा जी रोंडा पे नहीं रहता हालात देखके। इसके जो कपड़े पहनती थी वो भी कई बार उस जख्मों से खून निकलता होगा, पूरे खून ना भरे होंगे पापा जी, जेड़े कपड़े लंदी है वो खून ना भरे होंगे। देखो जो भी कपड़े पहनती थी जख्म होने के कारण उनमें से खून निकलता था, जो भी कपड़े पहनती थी वो खून से क्या हो जाते थे, गंदे हो जाते थे। तो ये माँ है, उसे अपने बच्चे का, अपने हर माता पिता को अपने बच्चे का दुख होता थे नहीं, पर ये क्या कर सकते थे। मेडिसिन तो बहुत दी ना मेडिसिन अपने। हाँ जी, कितने डॉक्टरों से मेडिसिन दी पापा जी, अकल नॉलेज से जिन्ने डॉक्टर सारे को खवाई, कोई डॉक्टर नहीं छड़ेया। उसके बाद जो हल खुदावंद के वचन को पूरा करने से मिला इसे। धन्यवाद करो इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते, मैं दुखा तो आजाद हो गई। हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते, मैं दुखा तो आजाद हो गई। होई कृपा वचन तेरा सुन के, होई कृपा वचन तेरा सुन के, मैं जिंदगी आबाद हो गई। हाथ
रखिया यहोवा मेरे सिर ते दुखा तो आजाद हो गई। हथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते दुखा तो आजाद हो गई। आमीन आमीन। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।